हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस हरियाणा। जीके के एमसीक्यूज आज हम आपके साथ शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम 25 क्वेश्चंस आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस जो है डिफरेंट हरियाणा के एस्पेक्ट्स को कवर करने की हमारी इसमें पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। सो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो टीम ने अभी तक देख ली होगी, तो उसका आपको सोल्यूशन जो है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और भी अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस तरह से इनबॉक्स कर दीजिए, जो भी हमारी टीम है वो आपका अभी कॉल भी ले लेंगी और आपको बता भी देंगी आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी क्वेरीज आपकी होंगी पीडीएफ से रिलेटेड, आपको टेस्ट सीरीज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है वो डिस्कस आप कर सकते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। हिसार, भिवानी, रोहतक, अंबाला, एकदम रैपिड फायर की तरह आंसर कीजिए, क्योंकि हरियाणा जीके के आपने हमारे कोर्सेज भी अब देख लिए हैं, इसके अलावा हम आपको पिछले पूरे एक साल के करंट अफेयर्स भी रिवाइज करवा चुके हैं। अब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, इसी से जो है आपकी प्रिपरेशन का पता चल सकता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे उनको आंसर कीजिए। सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये किस में है? आंसर इज ए हिसार। हिसार में सबसे ज्यादा है, जो कि है 7। एट प्रेजेंट कौन है यहां पे एमएलए, बताइए, डॉक्टर कमल गुप्ता, जो कि बीजेपी से हैं, ठीक है। आंसर इज ए, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करंट स्पीकर ऑफ हरियाणा स्टेट असेंबली, स्पीकर का नाम हमें बताना है हरियाणा स्टेट असेंबली के। कृष्णा पाल गुज्जर, राम विलास शर्मा, अनिल विज, कमल गुप्ता, तो हमें बताना है कि कौन जो है इस टाइम पीरियड में स्पीकर हैं हरियाणा स्टेट असेंबली के, बताइए। एक तो एक चीज ध्यान कर लीजिए, 90 टोटल हमारी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। आंसर दीजिए, इसका आंसर है वेरी गुड, कृष्ण पाल गुज्जर जो है अभी हमारे प्रेजेंट करंट स्पीकर ऑफ हरियाणा स्टेट असेंबली है। द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन हरियाणा कैबिनेट आर, देखो अभी जो फिलहाल का इस पे करंट डाटा है दैट इज 14, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि 15% जो है वो सीट्स रखी जा सकती हैं, इसकी वजह से एक डिस्प्यूट मेंटेन रहता है 13 और 14 के बीच में, ये डाइसी सिचुएशन मेंटेन रहती है। 13 भी हम रख सकते हैं, हम 14 भी रख सकते हैं, तो कभी 13 होता है कभी 14, फिलहाल आंसर इज 14, बिल्कुल ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं फॉरेस्ट कवर ऑफ हरियाणा के ऊपर, हमें उन स्टेटमेंट्स को देखते हुए बताना है कि कौन सी इनमें से ठीक है। तीन स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स को देखिए। पहली स्टेटमेंट में आपको क्या दिया है, देखिए पहली स्टेटमेंट में आपको पूछा है फॉरेस्ट कवर जो हरियाणा का है वो 2.90 है स्टेट के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। दूसरा पॉइंट देखिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंचकूला हैज द हाइएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तीसरा है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ये स्कीम लाई गई है ताकि पूरे हरियाणा स्टेट के ऊपर पौधारोपण किया जा सके। आपको बताना है फॉरेस्ट कवर से जुड़ी हुई कौन सी इसमें से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो देखिए अगर कवर की बात करें टोटल फॉरेस्ट कवर की, तो वो हरियाणा में 3% का है और 2.90% जो कवर है दैट इज ट्री कवर। ट्री कवर जो है वो 2.90 है, बाकी टोटल फॉरेस्ट एरिया का कवर एरिया है 3%, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो जिसमें 1 है वो रूल आउट हो गया, ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। दूसरे जो पंचकूला में हाईएस्ट एरिया है फॉरेस्ट कवर के अंडर, तीसरा पॉइंट ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा स्कीम को लाया गया है ताकि हरियाणा में जो प्लांटेशन है उसको बढ़ोतरी दी जा सके, तो वो बिल्कुल ठीक है। आंसर इज ए, 2 और 3 आर करेक्ट। सेंसिस की अगर बात करें तो उसमें फॉरेस्ट कवर स्पेशली मेंशन किया गया है कि वो 3% है, ये 2.9% जो दिया गया है ये एक्चुअल में ट्री कवर है, फॉरेस्ट कवर नहीं है। तो बातों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। हरियाणा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर, ये आपको बताना है किस साल, पिछले साल बहुत न्यूज़ में भी रहा जब जो है बसेस की स्ट्राइक्स हो रही थी हरियाणा ट्रांसपोर्टेशन की, तब भी ये बहुत चर्चित रहा विषय। तो ये जो है आपको बताना है कि किस साल इस एक्ट को लाया गया था, तो ये आया था आपका 1974। देखो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, ऐसे क्लोज ऑप्शंस में गलतियों के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं,
ठीक है। सो ऐसे में गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान करनी है। इट इज 1974 डॉक्टर्स की। अब इस एसेंशियल सर्विसेज में क्या होता है, जो बहुत जरूरी सेवाएं होती है, जैसे डॉक्टर्स को स्ट्राइक्स पे नहीं जाने दिया जाता, इवन जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फील्ड होते हैं वो जो स्ट्राइक्स पे या हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते। तो आंसर इज डी 1974, बिल्कुल ठीक है। Which of the following bodies are not constitutional body? इनमें से कौन सी जो bodies हैं constitutional bodies नहीं है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए संवैधानिक bodies होती कौन सी है। संवैधानिक वो होती है जो constitution के दायरे में आती है, और जो statutory bodies होती हैं वो किसी law के तहत यानी कि किसी regulation के through pass करवाई जाती हैं, legislature के through जो आती हैं, that is your statutory bodies। और constitutional bodies वो होती हैं जो संविधान में लिखित रूप से सारी आर्टिकल के तहत दी जाती हैं। ओके, इसके अलावा होती है autonomous bodies। autonomous bodies वो होती हैं जो ना ही constitutional होती हैं ना ही statutory होती हैं। ये private firms की भी bodies हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है वो government firms के दायरे में आए। ठीक है, तो अब हमें यहां पे बताना है वो बॉडीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। तो देखिए, आपको पहला ऑप्शन क्या दिया है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको पता है आप एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा देखिए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। अभी हमने हरियाणा की जो जीके पढ़ी थी, मंथ करंट अफेयर्स पढ़े थे, उसमें हमने देखा था जो हुड्डा है, हुड्डा का नाम बदल के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होकर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नहीं आएगी। अब इसको कब एक्ट में लाया गया था, 1977 के एक्ट के तहत इसको लेके आया गया था, यानी जो हुड्डा है इसके एक्ट का 1977 में इसको एक्ट के रूप में स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में लाया गया था, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1977। ओके, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन, अगेन दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो 1 और 3 आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हमें बताना है वो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। नेक्स्ट है हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, तो ये किसके अंदर आता है, हमने HSAMB के बारे में भी बात की थी, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसको कब बनाया गया, ये बनाई गई थी पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1961, इस एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। फोर्थ, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1961 के तहत बनाया गया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये जो हुड्डा है, हुड्डा का नाम बदल के हो गया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसको बनाया गया था हुड्डा एक्ट 1977 के तहत। तो 1 और 3 तो हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या हो गया, 2 और 4। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी, 2 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक। अंडर द भावांतर भरपाई योजना विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव बीन कवर्ड। भावांतर भरपाई योजना, इसमें आपको बताने कौन सी जो फसल है वो कवर की गई है, हमने अपने करंट अफेयर्स में भी इसको कवर किया था। तो देखो, गोभी, प्याज, बैंगन, आलू, टमाटर, तो बैंगन इसमें शामिल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, देखो 1, 2 और 4 और 5, 1, 2, 4 और 5, 4 फसलों के लिए ये जो प्राइसिंग है वो की जा रही है, गोभी, प्याज, आलू, टमाटर। ओके, आंसर इज सी, गोभी इसमें शामिल है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इस योजना के तहत आपको हमने ये बताया था कि इस योजना के तहत क्या होगा कि इन फसलों की मान लीजिए लागत से कम मूल्य मिल रहा है, तो जो अधिक रिक्त अमाउंट है वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। तो ये है आपकी भावांतर भरपाई योजना, आंसर इज सी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको मैच करना है, नेशनल पार्क्स दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं, आपको दोनों को मैच करना है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलेसर नेशनल पार्क, कपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको ये चारों जो हैं दिए गए हैं, आपको ये मैच करने हैं। रेवाड़ी, यमुनानगर, गुरुग्राम, झज्जर, तो आपको ये चारों को मैच करना है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला आपको कौन सा दिया गया है, सबसे पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये आपका
गुरुग्राम में है। दूसरा देखिए नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है आपकी, रेवाड़ी में। सो आंसर इज वन। कलेसर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, ये है आपका यमुनानगर में। चौथा देखिए कापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में हमने आपके साथ करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या हमने कापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको बताया था। इसको पूरा रिवाइव करने की बात उसमें हुई थी, वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका फोर। तो क्या हो गया आपका 3124, 3124 आंसर इज ए, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। देखिए हरियाणा स्टेट एनिमल, हरियाणा स्टेट एनिमल आपको देखना है ब्लैक बक, ब्लैक, और उसके बाद है हरियाणा स्टेट बर्ड ब्लैक पिजन, हरियाणा स्टेट ट्री बनियन ट्री, हरियाणा स्टेट फ्लावर लोटस। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच दिया गया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए हरियाणा स्टेट एनिमल ब्लैक बक दिया है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए हरियाणा स्टेट बर्ड, इन्होंने दिया है ब्लैक पिजन, ब्लैक पिजन नहीं है, हम हरियाणा का स्टेट बर्ड जो है दैट इज ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है। सो ये हमारा स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट इज हरियाणा स्टेट ट्री, तो बनियन ट्री नहीं है, ये है पीपल ट्री। ओके हरियाणा स्टेट फ्लावर, हरियाणा स्टेट फ्लावर कौन सा है, लोटस, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं वन एंड फोर जो है करेक्टली मैच है, टू और थ्री जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओनली वन एंड फोर, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके बिल्कुल ठीक, डी इसका करेक्ट आंसर है। हु हैड लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम पटौदी, पटौदी से आपको बताना है 1857 का रिवॉल्ट किसने लड़ा। पहले तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से ये लिख के बताइए कि जो ये रिवॉल्ट है पटौदी से जो लड़ा गया, पटौदी किस जगह के पास पड़ता है, ठीक है। जल्दी से बताइए पटौदी जो जगह है ये कहाँ पे पड़ती है, हरियाणा में पटौदी जगह कहाँ पड़ती है। अब ये रिवॉल्ट आपको बताना है किसके नेतृत्व में लड़ा गया। सो ये लड़ा गया अकबर अली के नेतृत्व में, ठीक है। पटौदी कहाँ है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जगह। Who is the constitutional head of the state government? Constitutional head आपको बताना है state government का, governor, prime minister, chief minister, chief justice of high court। तो आपको constitutional head बताना है कि कौन सा है। हाँ जी गुरुग्राम के पास है, बिल्कुल ठीक। तो constitutional head state government का कौन सा है, that is governor। Answer is A, governor जो है इसका correct answer है। देखो जो नॉमिनल गवर्नर होता है ये एक नॉमिनल हेड होता है, जो रियल पावर्स होती हैं स्टेट की, जैसे सेंटर में क्या होता है प्रेसिडेंट जो होता है नॉमिनल हेड होता है और पावर्स जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स के साथ होती है, इसी तरह स्टेट में भी सारी पावर्स जो हैं वो रियल पावर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के साथ होती है प्लस दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और नॉमिनल हेड जो होता है दैट इज दी गवर्नर। ओके Which district has the largest population in Haryana? Which district has the largest population in Haryana? Haryana में सबसे ज्यादा highly populated आपको बताना है गुरुग्राम, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद। Okay, इसका आंसर दीजिए, क्या है इसका आंसर, आंसर इज फरीदाबाद। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखे ये बताइए कि लोएस्ट पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। लोएस्ट पॉपुलेशन बताइए हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट पॉपुलेशन है। ओके मैच द फॉलोइंग, देखो यहां बात ये नहीं है कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं 25 के आंसर देने हैं, बीच बीच में जो और क्वेश्चन जनरेट होते हैं उनके आंसर्स भी साथ साथ दीजिए, इससे क्या है आपकी 25 का 50 का क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी, रोज 50 क्वेश्चन तो यही डिस्कस हो जाएंगे आपके, तो इन चीजों के लिए प्रिपेयर रहिए। ओके लोएस्ट, लोएस्ट पॉपुलेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन तैयार होते हैं, मैच द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। तो राखीगढ़ी, बानावली, मिथाथल,
बालू, तो आपको मैच करना है भिवानी कैथल फतेहाबाद हिसार, तो आपको बताना है हरप्पन सिविलाइजेशन कहाँ से कौन सी मैच करनी है। पहला है राखी गढ़ी, तो देखिए राखी गढ़ी जो है आपका ये कहाँ पे है, राखी गढ़ी आपकी हिसार डिस्ट्रिक्ट में आती है। नंबर फोर बनवाली, ये कहाँ पे है, ये आता है आपका फतेहाबाद। सो थ्री, नेक्स्ट इज मिताथल, मिताथल कहाँ है, ये है आपका भिवानी में, तो दिस इज वन। नेक्स्ट इज योर बालू, बालू का क्या है, दिस इज कैथल, तो ये है नंबर टू। तो ये आपकी हरप्पन सिविलाइजेशन की चार यहाँ पे साइट्स दी गई हैं, जो कि आपको हरियाणा में बताना है किस डिस्ट्रिक्ट यानी किस जिले के अंतर्गत ये आती हैं। तो आपका क्या आंसर आया, 4, 3, 1 and 2, सो आंसर इज ए, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, पूरे पूरे आंसर दीजिए, एक एक आंसर नहीं देना, सारे ऑप्शंस मैच कीजिए साथ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवर्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा के रिवर्स के बारे में यहाँ पे बात की है, उसके बारे में आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, द रिवर घग्गर ओरिजिनेट्स इन हरियाणा एंड डिसअपियर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इट। घग्गर जो है हरियाणा में ओरिजिनेट होता है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाके गायब हो जाता है। एंशंट नेम ऑफ मरकंदा रिवर इज अरुणा, एंशंट टाइम पीरियड में मरकंदा रिवर का नाम अरुणा है। यमुना नदी जो है वो तेजवाल बैरेज पे यमुनानगर की तरफ से एंटर होती है, तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको यहां पे बताना है, सो देखो, हाँ जी आंसर्स क्लियर हो रहा है, ओके। सो देखिए पहला पॉइंट जो है ये गलत है, क्योंकि घग्गर रिवर जो है ये हरियाणा में ओरिजिनेट नहीं होता, ये कहाँ ओरिजिनेट होता है, ये शिवालिक हिल्स में ओरिजिनेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और शिवालिक हिल्स कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में ये ओरिजिनेट होता है, ओके। सो पहला पॉइंट जो है आपका गलत हो जाएगा, तो हरियाणा में ओरिजिनेट ही नहीं होता, ओके। दूसरी बात है, देखो एंशियंट नेम ऑफ मरकंदा रिवर इज अरुणा, ये बिल्कुल ठीक है, अरुणा रिवर जो है के नाम से जाना जाता था, जो मरकंदा रिवर है। और तीसरा देखिए, यमुना जो है वो तेजवाल बैरे से यमुना नगर में एंटर होती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2 and 3, सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सो आंसर इज सी, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस आप रिवाइज करेंगे, देखो अगर आपको मैं वैसे घग्गर के बारे में रिवीजन करने को देती कि इसकी इतनी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, इतनी लेफ्ट है, वो भी चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो अगर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की हम यहाँ पे बात करें, ओके, एक शीट ले लेते हैं, इस पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो घग्गर रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, अगर लेफ्ट और राइट दोनों ट्रिब्यूटरीज की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो आपकी लेफ्ट वाली में आते हैं कौशल्य, ठीक है, और राइट वाले में आते हैं मारकंड, मारकंड सरस्वती, ओके, एक है टंगरी, ओके, नेक्स्ट है आपका चौतंग। तो ये जो है रिवर्स आते हैं आपके लेफ्ट और राइट में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ जी पीडीएफ रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, इसके अलावा आप नीचे दिए गए नंबर्स पे भी देख सकते हैं बात करके। अब देखिए यहाँ पे देखिए, आपको जो जीके के मटेरियल अवेलेबल करवाए गए हैं उसमें भी ये दिया गया है, वामन पुराण, दिव्य दान, नेक्स्ट इज मझियम निकाय, तो आपको ये तीनों बताने हैं, इसमें हरियाणा का नाम जो है किसमें मेंशन किया गया है, दोनों में मेंशन है, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3, तो किसमें ये नाम जो है मेंशन किए गए हैं, हरियाणा में, हरियाणा का नाम इन तीनों में से, ये तीनों जो है एंशियंट टेक्स्ट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात एंशियंट टेक्स्ट हैं, ओके। आपको बताना है इन एंशियंट टेक्स्ट में से किसमें जो है हरियाणा का नाम का जिक्र हुआ है, सो आंसर इज 1, 2, 3, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। पहला देखिए, पहला क्या है, वामन पुराण, वामन पुराण क्या है, इसके अंदर करण जंगल, इसको बोलते हैं करण जंगल, इसके अंदर जो है 7 फॉरेस्ट के बारे में जिक्र किया गया है, ये एक टेक्स्ट है, एंशियंट टेक्स्ट है, जिसमें हरियाणा का जिक्र भी हुआ है। नेक्स्ट है दिव्यदान, दिव्यदान जो है ये आपका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, ये आपका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो कि आपका
एंशियंट टाइम पीरियड का है, इसमें भी हरियाणा का जिक्र किया गया है। तीसरा जो है मझियम निकाय, मझियम निकाय जो है ये जो गुरुग्राम के पास एक जगह है धनकोट, वहां का ये पूरा है धनकोट, गुरुग्राम के पास है ये जगह, वहाँ का ये पूरा एरिया है। और इसके अंदर हरियाणा के बारे में अच्छे से मेंशन किया है, ये इसमें जो बुद्धा सरमन अपना देते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो तीनों है ये एंशियंट टेक्स्ट है, ये करण जंगल से जुड़ा हुआ है और नीचे वाले दो जो हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट से जुड़े हुए हैं। Who has become the first female mountaineer from Haryana to climb Mount Kilimanjaro for the first time? तो एक जो पहली महिला जो माउंट किलिमंजारो पे गई, हमने अपने करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए ये है शिवानी पाठक, शिवांगी पाठक, और सबसे छोटी उम्र में इन्होंने जो है ये ट्रैवल किया, ठीक है। सो आंसर इज ए, शिवांगी पाठक इसका करेक्ट आंसर है। In which year Haryana Board of School Education was established? हरियाणा बोर्ड का जो स्कूल एजुकेशन का बोर्ड है वो किस साल में आया था बताइए? 1969, 1968, 1967, 1970। तो ये कब आया था ये आपको यहां पे बताना है। तो ये है 1969 इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आपको हरियाणा फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2015 दी गई है, ठीक है। मैं ये हाईलाइट कर देती हूँ, पेन चलाने से अच्छे से नजर नहीं आता होगा। हरियाणा फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2015, इसके तहत आपको कुछ तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं। आपको ये तीनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखना है, अच्छे से देख लीजिए एक बार स्टेटमेंट्स, और फिर आपको बताना है कि इनमें से 1, 2, 3 करेक्ट, नॉट करेक्ट, 2, 3 नॉट करेक्ट, 1, 3 नॉट करेक्ट, नन ऑफ दीज नॉट करेक्ट। तो वो आपको बताने कि इसमें से सही कौन सी नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पे और दे देती हूँ आपको, चलो अभी देती हूँ, पहले आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर्स फ्रॉम हरियाणा विल नाउ गेट ₹6 करोड़ इंस्टेड ऑफ द अर्लियर 5 करोड़। तो पहले क्या था, 5 करोड़ की राशि थी, उसको बढ़ाकर जो है वो 6 करोड़ की राशि कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल ठीक है, ये पहला पॉइंट जो है ये पूरा प्रॉपर एज इट इज जो है आपकी हरियाणा फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी में दिया गया है। दूसरा देखिए, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट विल बी गेटिंग 3 करोड़ एज अगेंस्ट 1 करोड़। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी हालांकि इनको 3 करोड़ दिया जाएगा, लेकिन पहले इनको 1 करोड़ नहीं दिया जा रहा था, पहले जो राशि इनको दी जा रही थी दैट वॉज 2 करोड़। तो ये है 2 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, द कैश अवार्ड विल बी ओनली गिवन टू दो स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज रिप्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ हरियाणा इन एनी स्पोर्ट्स। तो इसमें बताया है कि ये कैश प्राइज उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो कि हरियाणा के स्पोर्ट को जो दर्शा रहे हैं, साथ ही साथ वो हरियाणा के नागरिक हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी हरियाणा के ही नागरिक हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, 1 और 3 ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यहां पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो आंसर है ओनली टू यहां पे नहीं दिया गया, ठीक है। सो इसमें से जो ऑप्शन है 1, 2, 3 ऑल आर नॉट करेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए, 2 और 3 नॉट करेक्ट पूछा है, क्या 2 और 3 नॉट करेक्ट है दोनों, ये भी ऑप्शन हो गया गलत। तीसरा देखिए, 1 और 3 क्या इनकरेक्ट है, नो दे आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आपको क्या मार करके आना है यहाँ पे, 2 तो दिया नहीं है, क्या आप वहां पर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे कि 2 ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ये चारों ऑप्शन में से हमें कोई मार्क नहीं करना, नो आप नन ऑफ दीज इसमें मार्क करके आएंगे, आंसर विल बी डी। ओके सो आंसर हियर इज डी, डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, दिक्कत आ रही है दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following statement is are correct about the Hisar pillar inscription? अशोका के बहुत सारे आपने pillars पढ़े हैं, Hisar pillar inscription भी देख लीजिए. इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? This record has been obtained from the Gujri Palace of Hisar. Gujri Palace में इसके पूरे बारे में explanation दिया गया है. It belongs to the 4th and 5th century. चौथी और पांचवी सदी के बारे में इसमें बताया गया है. There are names of pilgrims on it. Pilgrims के इसमें नाम जो हैं दिए गए हैं. प्लीज आंसर्स भी दीजिए. ओके, आंसर्स भी साथ साथ मेंशन जरूर करें. सब जो भी देख रहे हैं वीडियो, प्लीज इसका आंसर साथ साथ दें. It hints that the place where this pillar belongs was once the pilgrimage place. तो ये पहले जो है एक तीर्थ स्थल के रूप में था. तो देखो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है हिसार पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में. ओके, सो दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है. आंसर विल बी बोथ वन एंड टू. आंसर इज बोथ वन एंड टू. वन एंड टू बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बहुत अच्छे से. और प्लीज एक चीज और ध्यान कीजिएगा, अपना स्कोर जरूर चेक करें. आप ये जरूर चेक करें कि 25 क्वेश्चन आज शुरू करें, 25 में से आपके 20 से ऊपर ठीक है, 15 ठीक है, कितने ठीक है, इसको ईमानदारी से जरूर देखिएगा. सॉइल्स ऑफ गुड़गांव एंड हिसार आर अफेक्टेड बाय. गुड़गांव और गुरुग्राम है अभी ये नाम, गुरुग्राम और हिसार की जो मिट्टी है वो किससे प्रभावित है? विंड इरोजन, वाटर लॉगिंग, एल्कलिनिटी, सैलिनिटी. तो आपको बताना है कि इस मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बताइए. ओके, खारापन, खारापन मोस्टली कह रहे हैं. अच्छा, समर सिंह, विंड इरोजन, बिल्कुल ठीक. विंड इरोजन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है. इसकी वजह से जो सॉइल है यहां की बहुत ज्यादा प्रभावित होती है. द चेयरपर्सन ऑफ हरियाणा विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज. हरियाणा विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन का नाम हमें यहाँ पे बताना है, बताइए. सुनीता चौहान, शिवांगी पाठक. शिवांगी पाठक तो अभी हमने देखा, ये तो माउंटेनियर है. तो ऑप्शन इस तरह के, जब आपने देखो कई क्वेश्चन पढ़ने का ये फायदा हो जाता है, जब आपने शिवांगी पाठक के बारे में पढ़ा हुआ है, आपको पता है वो बहुत छोटी है अभी उम्र में, नेचुरली वो चेयरपर्सन तो नहीं है. ऐसे ऑप्शन आपको रूल आउट करने में मदद हो जाते हैं, ठीक है. तो देखो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कौन सा आंसर जो है रूल आउट करना है उसमें आसानी होगी, ठीक है. लतिका कुमार मंगलम, कुमारी शैलजा, तो आपको पता है ये जो है एक सांसद हैं, तो ये भी नहीं है. अब देखिए कौन सा है इसका करेक्ट आंसर. आंसर इज ए. ए जो है इसका करेक्ट आंसर है. सुनीता चौहान इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगर आपको इनसे जुड़ी और कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, और कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है वो आप देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. इससे और जो आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल अब ये बनेगा, उसमें सबको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सब मिलके इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एंशियंट कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन. हर्षवर्धन की एंशियंट कैपिटल का नाम आपको बताना है. स्वर्णप्रस्थ, थानेसर, वांसप्रस्थ, युगांधर. तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसका कैपिटल है हर्षवर्धन की. सो ये है थानेसर. अच्छा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए थानेसर जो है ये जगह किसके पास है, बताइए. थानेसर जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट के पास है. दो चार ऑप्शंस आपको दे जाती हूं. अंबाला, ऑप्शन नंबर टू कुरुक्षेत्रा, ऑप्शन नंबर थ्री करनाल, ऑप्शन नंबर फोर पानीपत, ठीक है. चलो अब आपको चार ऑप्शंस यहाँ दे दिए, आपको बताना है थानेसर जो है किसके पास है. ये मैं पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि अभी जो हमने आपके साथ एक अभी कृष्ण सर्किट के बारे में डिस्कस किया था हाल ही में, तो उसमें ये वर्ड आया था, इसीलिए बस मैंने ये क्वेश्चन आपसे पुट किया है ताकि आप कितना अलर्ट होके क्लासेस देख रहे हैं ये पता चल सके. बिल्कुल ठीक, कुरुक्षेत्रा इज द राइट आंसर. आगे देखिए, नेक्स्ट है आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ दिए हैं, साथ ही में वो कहाँ स्थित है ये भी दिया गया है. आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ और उनकी लोकेशन को अरेंज करना है. चौधरी देवीलाल ये कहाँ पे है, सिरसा में. गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ये कहाँ है, हिसार. तीसरा देखिए, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है, दिस इज अम्बाला, तो नंबर फोर. नेक्स्ट है महर्षि दयानंद, तो ये कहाँ पे है, रोहतक में, तो आंसर इज वन. तो ऑप्शंस क्या हुए, टू थ्री फोर एंड वन. तो देखिए टू
थ्री फोर एंड दिस इज वन, कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन इज ए. ओके, ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस है. दिस इज इन सिरसा, दिस इज इन हिसार, और ये है महर्षि मार्कंडेश्वर, ये है आपकी अंबाला में. ओके, और महर्षि दयानंद जो है ये आपकी रोहतक में. तो कंफ्यूज नहीं होना. टू थ्री, यहां पे वन और फोर की जगह ये आपका सी का वन दिया हुआ है, यहां डी का फोर दिया है, ये ऑपोजिट मैच हो चुके हैं. ठीक है, तो ये आपको करेक्ट करना है. दिस इज फोर और दिस इज वन. ओके, हाँ जी, ऑप्शन नहीं है तो इसको आप देख लीजिए, अपने देख लीजिए. ये जो है सिरसा में है. ओके, नेक्स्ट ये आपका हिसार में है, ये आपका अंबाला में है, और ये आपका रोहतक में है. अपने आप इसको एक बार देख लीजिए. ठीक है, ऑप्शंस में मत जाइए, आप इसको अपने आप सेल्फ अरेंज एक बार कर लीजिए. मैं बता देती हूँ, ए का है टू, बी का है थ्री, सी का है फोर, डी का है वन, ये इसका करेक्ट सीक्वेंसिंग है. ओके, ऑप्शन आपको दे दिया, ले लीजिए, ये लीजिए पार्ट ई, ई है, ई मार्क कर दीजिए अब. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु इज द लीडर ऑफ द रानिया रिवॉल्ट इन 1818? रानिया रिवॉल्ट जो 1818 में हुआ, इसके लीडर का आपको नाम बताना है. तो देखो, इससे आपको ये भी पता चलेगा 1857 से पहले के रिवॉल्ट में भी हरियाणा ने जो है बहुत अच्छी भूमिका अपनी निभाई है. तो रानिया रिवॉल्ट में कौन से नेता रहे हैं? सो ये रहे हैं आपके प्रताप सिंह. आंसर इज डी, प्रताप सिंह. ओके, सो आंसर इज डी. अच्छा, थोड़े से इसके बारे में जान लेते हैं. रानिया जगह कहाँ है? ये है सिरसा में, सिरसा के पास एक गांव है, रानिया इसका नाम है. और इवन अगर 1857 की बात करें, तब भी जो बहुत लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से, आपने सुना होगा मंगल पांडे वगैरह, ये सारे नाम सुने होंगे, तो यहाँ के नाम भी सुन लीजिए जो इस साइड से जिन्होंने रूल किया. दैट वॉज नीर मोहम्मद खान. तो इन्होंने जो है यहाँ से, नूर मोहम्मद खान है इनका पूरा नाम. ओके, ढंग से लिख देती हूँ, ये है नूर मोहम्मद खान. 1857 के रिवॉल्ट में जो इतने सारे आपने तांत्या टोपे, रानी झांसी सबके नाम जो सुने हैं, एक और नाम उसमें ऐड कर लीजिए, नूर मोहम्मद खान, जो कि यहाँ रानिया से जिन्होंने लड़ाई की थी. ओके, रानिया से इन्होंने 1818 में युद्ध जो है लड़ा है. लीडरशिप, यहाँ पे लीडरशिप पूछी है, कहाँ से थे ये नहीं पूछा. रानिया रिवॉल्ट के लीडर का नाम आपसे पूछा गया है. ठीक है, इतना जज्बाती मत होइए क्वेश्चन के साथ. ठीक है, लीडर पूछा है, रानिया रिवॉल्ट 1818 में हुआ, उसके लीडर का आपको नाम बताना था. ठीक है, सो बस इतने पे फोकस कीजिए. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को आपको ये कहाँ से था, वो कहाँ से था, बिल्कुल ईजी गोइंग रही है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. सर छोटू राम के बारे में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी है, आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है. तो पहले देखिए, ही वॉज कंसिडर्ड एज एन एग्रीगेरियन रिफॉर्मर एंड वर्क एक्सटेंसिवली फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स. तो इसमें क्या दिया है कि वो एक एग्रीगेरियन रिफॉर्मर थे और उन्होंने फार्मर्स के लिए काम किया, तो ठीक है ऑप्शन. दूसरा देखिए, इनको दीन बंधु और राहबर ए आजम का टाइटल दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा. अब देखिए, दीन बंधु का कॉलेज आपको पता होगा, जहाँ के पराठे बहुत मशहूर हैं वहाँ पे रोड साइड पे. तो आई होप आप में से बहुत जानते भी होंगे उस कॉलेज के बारे में. सो ये जो नाम है दीन बंधु, क्या ये ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको टाइटल दिया गया था? आंसर इज नो. सो ये गलत ऑप्शन है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ओनली वन, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है. तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं. देखो, जो भाखड़ा नांगल का डैम है, इसके प्रोजेक्ट को 1923 में इन्होंने शुरुआत करवाई थी. साथ ही जो किंग थे बिलासपुर के, उनके साथ मिलके इन्होंने भाखड़ा डैम के प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. इसके बाद ये एक एग्रीगेरियन रिफॉर्मर माने गए थे. इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे लॉज को पास करवाने में मदद की थी, जैसे कि पंजाब लैंड रिवेन्यू एक्ट जो था 1929 का, उसको पास करवाया था. पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट, जिसके अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, वो एक्ट 1943 में भी इन्होंने पास करवाया था. उसके बाद मंडी एक्ट के बाद पंजाब रिलीफ ऑफ इनडेप्टनेस एक्ट, ये सारे जो एक्ट हैं इनके द्वारा पास करवाए गए थे लॉ.
लॉ में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा टाइटल तो दिया गया था, लेकिन वो टाइटल था नाइटहुड का, ठीक है, नाइटहुड का टाइटल दिया गया था। ये दो टाइटल नहीं दिए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, और ये नाइटहुड का टाइटल दिया गया था 1937 में, ओके। और इसके अलावा मेन पॉइंट क्या आता है, अब दीन बंधु और रहबर आजम, ये टाइटल किसने दिया था, ये टाइटल इनको किसानों द्वारा दिया गया था, क्योंकि वो इतने फेमस थे तो लोग इनको दीन बंधु और रहबर आजम बुलाते थे। सो आंसर इसका ये वाला गलत हो जाएगा, आंसर ओनली ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो अब आप कितनी भी रीडिंग कर लीजिए, ये एमसीक्यूज जो हैं ये आपको पेपर में आपके क्वेश्चंस के ऊपर होल्ड बनाने में बहुत मदद करेंगे, तो प्लीज बने रहिएगा डेली आपके साथ। ये क्वेश्चंस जो है डेली 25 हम लेकर आएंगे, अलग अलग फील्ड को, हरियाणा के हर डायमेंशन को इसमें कवर किया जाएगा। प्लीज आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना हमें प्रोत्साहन देता है, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चल सके हम किस तरह से आपकी और मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच।